नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था, हमने आपको कहा था कि प्रॉपर तरीके से मेरी क्लासेस चलेंगी, और पिछले लेक्चर में हमने आपको स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बताया था। अभी हमने एक नई पहल और शुरू कर दी है कि हमारे साथ प्रीवियस ईयर में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं टॉपर्स हैं, उनको हमने आपके साथ जोड़ दिया है। अगर आप उनके क्या कहते हैं वीडियो को देख के डायरेक्टली अगर आप उनको मैसेज करेंगे तो जुड़ के आपको कमेंट भी करेंगे और अपना नंबर देंगे। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको कहाँ समस्याएं आई और आपको क्या क्या समस्याएं आई, उसको कैसे दरवाजा बंद कर दो, उसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, तो देखिए अगला लेक्चर जो हमारा है, ये हमारा है क्या कहते हैं टारगेट, 120 लेक्चर हमारे होंगे और 120 प्रश्न वहां से आने का प्रयास होगा। अब ये तो नहीं कहते हैं कि हमारे पूरे 120 प्रश्न वहां से आ जाएंगे, लेकिन प्रयास हमारा पूरा रहेगा और भी टीम के लोगों के माध्यम से कि 120 प्रश्न हम यहाँ से ले आए, और कहाँ से हम कैसे ले आएंगे वो चीजें क्या कहते हैं हम आपको अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारा जो लेक्चर होगा इतिहास का 40 लेक्चर होगा, और 40 लेक्चर हमने कई फॉर्मेट में बांट रखा है। जैसे जैसे हिस्ट्री जो है, ठीक है, आपको पता है हिस्ट्री जो है एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, आजकल प्रश्न मेडिवल से और एंशियंट से ऐसे पूछ रहे हैं कि प्रश्न बन ही नहीं रहा है हमसे, और उसके लिए हमने आपको बताया कि अब घटना चक्र लोग पढ़ के जाते हैं, तो घटना चक्र से हटके थोड़ा सा क्या कहते हैं एंशियंट मेडिवल मॉडर्न की बुक्स पढ़िए, एसके पांडे की बुक बताया। और हाँ, यदि आपको अगर फैक्ट रटना है तो एक किताब बड़ी अच्छी आती है, बता देता हूँ, एक ज्ञान की बुक आती है। ठीक है, मैं बुक अगले लेक्चर्स में आपको जब हिस्ट्री के क्लास शुरू करूंगा दिखा दूंगा, वो बुक आप ले लेना। वहां पे जो क्या कहते हैं फैक्ट पूछे जाते हैं वो कलरफुल फॉर्मेट में बने हुए हैं, आप वहां से फैक्ट को रट के एग्जाम में जा सकते हो, आपके एग्जाम के टाइम में जो है काफी अच्छा क्या कहते हैं रामबाण साबित होगा। तो एंशियंट मेडिवल मॉडर्न को हमने डिवाइड कर रखा है, हम यहाँ पे आपको 20 लेक्चर दे रहे हैं और यहाँ पे आपको 10-10 दे रहे हैं, तो ये हमारे मिला के कुल 40 लेक्चर्स होंगे। अब प्रयास रहेगा कि 40 लेक्चर्स में से वो सारे प्रश्न बने जो प्रीवियस ईयर में भी आए हों और जो प्रीवियस ईयर के साथ साथ अब अगले एग्जाम के लिए क्या कहते हैं आने की संभावना उनकी बढ़ जाए। और देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है भूगोल का। भूगोल के हमारे लेक्चर्स थोड़े से कम हैं, भूगोल का हमारा जो है 20 लेक्चर्स है, और हम प्रयास करते हैं कि भूगोल में जो है क्या कहते हैं 10-10 लेक्चर्स जो हम रखेंगे वो सिर्फ जो है मैपिंग के रखेंगे। जैसे ये ज्योग्राफी हो गया, और ज्योग्राफी में हमने दो चीजें आपको बताई कि एक इंडियन है हमारे सामने, एक वर्ल्ड है, और जो प्रश्न आ रहे हैं वो जो है इन दोनों से मिला के मैक्सिमम जो है मैप से आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रश्न मैपिंग से आ रहे हैं, ये मान के चलिए कि 80% प्रश्न आपको मैपिंग से मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको यही अगर मैं समझाऊं कि इंडियन या वर्ल्ड का ले लीजिए, तो प्रश्न कहाँ से आते हैं, आपके प्रश्न नदियों से आएंगे, पर्वत पठार से आएंगे, कौन सा पर्वत कौन सा पठार कहाँ है, ठीक है, ज्वालामुखी से आते हैं, ठीक है, जल डमरू मध्य से आते हैं, तो इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। ऐसे कई अनंत टॉपिक्स है जो लगातार मैं आपको बताऊंगा, और मेरे लेक्चर्स भी जो है इसी पे होंगे। प्रयास ये रहेगा कि इन सबसे जो एक एक प्रश्न दो दो प्रश्न बनते हैं वो जो है आपको इस लेक्चर्स में हमारे मिल जाए। और आगे आप देखिए जो है एनवायरमेंट के लेक्चर जो है हमारे सारे के सारे पड़े हुए हैं। यदि आपको अगर रिवीजन करना है अभी से ही, तो आप एनवायरमेंट को हमारे यूट्यूब चैनल से जाके पढ़ सकते हो। और जो एनवायरमेंट का ये लेक्चर है वो हमारे 15 क्लास होंगे, और हर बार हमारे 15 क्लास होते हैं। जैसे आप अलग से चीज़ों को पढ़ते हो, जैसे आप एल नीनो को पढ़ते हो एक प्रश्न आता है, ओजोन लेयर को पढ़ते हो एक प्रश्न आता है, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो पढ़ते हो, प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो जो एक प्रश्न आता है वहां से, और इसके अलावा मैंग्रोव से प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे वो हम सारे के सारे एक जगह रख देंगे, मतलब हर पार्टिकुलर टॉपिक्स का एक पार्टिकुलर वीडियो होगा जहाँ पे आप जाके क्या कहते हैं उसको आप पढ़ सकोगे और उसके एक अच्छे से नोट्स बना सकोगे। जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा वो भी माइंड मैप द्वारा होगा, ताकि आप पढ़ पढ़ के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं आप ये भी वहां पे ध्यान दे सको। अगली चीजें क्या है, अगला अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में हमने आपको पढ़ाते समय ही बता दिया कि अर्थव्यवस्था हम आपको सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे जब हम करंट पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है वो आजकल क्या कहते हैं मैक्सिमम जो है करंट पे फोकस कर रहा है। तो जो करंट की चीजें होंगी वो हम बताएंगे, जो आपका मान के चलिए कि 50% करंट आएगा या मान लीजिए 50% बेसिक्स आएगा, तो बेसिक्स के साथ साथ हम आपको करंट यहाँ पे रिविजन करा देंगे। अब देखिए जो है साइंस हो गया,
साइंस में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि साइंस में आप लूसेंट से रिवीजन करिए, बाकी जहां जहां से साइंस में प्रश्न बनता है वो चीजें हम आपको अपनी क्लास में कंप्लीटली दे देंगे। साइंस में जैसे देखा जाए तो कुछ प्रश्न रसायन विज्ञान से भी आते हैं और कुछ प्रश्न क्या कहते हैं भौतिक विज्ञान से मतलब फिजिक्स से भी आते हैं, तो इनकी संख्या लगभग 3-3 की होती है या फिर 2-3 की होती है, 6 प्रश्न आते हैं। तो ये 6 प्रश्न हम 6 टॉपिक्स को टारगेट करेंगे दोनों को मिला के, या 6-6 टॉपिक्स दोनों में कर देंगे, 3 एक्स्ट्रा कर देंगे जो संभावित होगा, वहां से प्रश्न बन जाएगा इजिली आपका। और इसके अलावा जो है क्या कहते हैं विविध, तो पहले राज व्यवस्था को देख लीजिए। राज व्यवस्था जो है ये इसमें भी कुछ प्रश्न जो है करंट आते हैं, पॉलिटिकल साइंस है जो आपका, कुछ प्रश्न करंट से आते हैं। जैसे अगर कोई क्या कहते हैं संविधान संशोधन हुआ तो आएंगे, या कोई करंट के इशूज इस समय चल रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस के तो वो एग्जाम में आएंगे। बाकी तो मुझे लग रहा है कि आर्टिकल 1 से 51 तक जो है प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, मतलब नागरिकता से भी प्रश्न आ जाता है, मौलिक अधिकार से आता है, नीति निष्कर्षत्व से आता है। तो यहाँ से आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, आर्टिकल वाइज याद करिएगा, लगभग 50% प्रश्न यहाँ से आते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आयोगों से प्रश्न आता है, लोक सेवा आयोग इसका फेवरेट प्रश्न हो गया, राज्यपाल भी फेवरेट प्रश्न हो गया, वित्त आयोग भी फेवरेट हो गया लोक सेवा आयोग का या राज्य ये यूपीपीसीएस का। तो इस तरह की चीजों को हम आपको बताएंगे कि देखिए एग्जामिनर ने पहले आपसे क्या पूछा है और अब अगर प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा, करंट में अगर ये इशू था तो कैसे था। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा आपका दिमाग खुलेगा और आप अपने आप से कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमने लास्ट टॉपिक आपको एक दे रखा है कि ये विविध हमने इसलिए दे रखा है कि विविध में हम आपको यूपी स्पेशल पढ़ा देंगे, ठीक है, यूपी स्पेशल पढ़ा देंगे। और सेंसस का जो टॉपिक है, सेंसस मतलब जनगणना का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सालों से तो यहाँ से प्रश्न नहीं बन रहे थे या लोक सेवा आयोग दरकिनार कर रहा था, पूछ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम आपको जहां से प्रश्न बनने वाले होते हैं वहां से हम 10 टॉपिक लेके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि ये भी आपका रिविजन हो जाए। और इसके अलावा जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स होगा वो भी हम आपको बता देंगे। और इन सबके अलावा एक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका कोई रेट नहीं, आपको पता ही होगा, और वो सिर्फ फोटोकॉपी का रेट है कि आप फोटोकॉपी के तरीके से आप उसको परचेज कर सकते हो। और उस पर लिंक दिया हुआ है, वहाँ नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पे 28 अक्टूबर वाली टेस्ट सीरीज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं जितने टेस्ट सीरीज होंगे, लगभग मेरे जो है 20 टेस्ट होंगे, उन 20 टेस्ट के लगातार 20 क्लास आपको मिलेंगे। 20 क्लास के अलावा 20 क्लास डाउट की रखेंगे आपको, कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो कैसा बनेगा, या कुछ के पर्सनल प्रॉब्लम्स होते हैं उन पे प्रश्न बनेंगे, तो वो भी वीडियोज में आप मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समस्या का दूर समाधान कर दें, वहीं पे करते चलें। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा और परीक्षा में क्या कहते हैं आप अच्छा करके आएंगे। देखिए सारी चीज़ें मुझे लग रहा है ओवरऑल मैंने कंप्लीट कर दिया कि राज व्यवस्था से जहाँ से प्रश्न आएंगे, पर्यावरण से, इतिहास से, सारी बुक स्ट्रेटजी आपको मैंने बता दिया। अब हमारी क्लास जो है कंटिन्यू शुरू होगी इन्वायरमेंट के लेक्चर से। जब इन्वायरमेंट आपको पढ़ाएंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि इन्वायरमेंट में कहाँ कहाँ से प्रश्न पिछले साल आए हुए हैं और अगर आएंगे तो कैसे आएंगे। जैसे कि आप हमारे क्लास में जो है ये मान के चलिए कि प्रीवियस ईयर के जितने एग्जाम हुए होंगे, हमारा प्रयास रहता है कि प्रीवियस ईयर के सारे एग्जाम को हम समाहित कर लें। इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, आपको घटनाचक्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे छोटी छोटी क्लासेज में 20 से 25 मिनट की क्लास में हो सकेगा, कोशिश करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी आ जाएं, एक टॉपिक भी डिस्कस हो जाए उसी के साथ में, और कोशिश करेंगे कि संभावित प्रश्न के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी डिस्कशन एक अच्छे तरीके से हो जाए। इससे क्या होगा कि मुझे लग रहा है कि आप जो है क्या कहते हैं अच्छा कर जाओगे और कोशिश करोगे कि क्या कहते हैं अपने इष्ट मित्र भी रहेंगे जो थोड़ा बहुत भटकते रहेंगे उनको आप जोड़ेंगे तो वो भी अच्छा कर जाएंगे हमारे माध्यम से। थैंक यू। कितना मिनट हुआ?